छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा डीएमएफ फंड से मेडिकल कॉलेज के लिए 4 करोड़ की घोषणा ने राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से गर्मी पैदा कर दी है। मंत्री ने यह घोषणा मनेंद्रगढ़ में डीएमएफ की बैठक के दौरान की, जहां उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का भवन और अस्पताल बनने में 3 से 4 साल लग सकते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि अगले शैक्षणिक सत्र से कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो। इसके लिए अस्थायी भवन, लाइब्रेरी और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए 4 करोड़ की मंजूरी दी गई है। हालांकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर एलएस उदय मंत्री ने इसकी घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ की राशि मेडिकल कॉलेज के लिए नाकाफी है और मंत्री अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर उदय ने कहा कि यह योजना पूर्ववर्ती सरकार की थी और इसे 1 साल के भीतर पूरा करना असंभव है। सामाजिक कार्यकर्ता विजेंद्र कुमार यादव ने भी मंत्री और विधायकों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे पहले भी कई घोषणाएं की गई थी, लेकिन उनका आज तक कोई अंजाम नहीं हुआ। उन्होंने मंत्री के पद की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जहां चुनाव कराना असंवैधानिक है। यादव ने आगे कहा कि यह सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है और जनता को गुमराह करने का काम कर रही है।